साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से ना तो जांच आगे बढ़ती दिख रही है और ना ही जांच कहां तक पहुंची है इसकी जानकारी सामने आ रही है। हाल ही में बीच में आरटीआई एक्ट के जरिए कुछ लोगों ने सीबीआई से सुशांत केस में अपडेट को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसमें सीबीआई की तरफ से वही रटा रटाया जवाब दिया गया था कि जांच चल रही है और जांच में दोनों एंगल पर तफ्तीश की जा रही है। मगर अब जो लेटेस्ट खबर सामने आ रही है वो ये है कि अब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच सीबीआई की नई टीम कर सकती है, क्योंकि अभी वाली टीम सुशांत की मौत से जुड़े 5 पॉइंट्स को पूरी तरह इग्नोर कर रही है जो कि जांच में सबसे अहम है। नई टीम को लेकर 3 अगस्त 2021 को अहम फैसला लिया जाएगा। तो क्या है पूरा मामला और कैसे अब नई सीबीआई की टीम की होगी एंट्री, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सुशांत केस में सबसे अहम 5 बिंदुओं को अब तक जांच में शामिल नहीं किया गया है, ये कहना हमारा नहीं है बल्कि पटना के एक कानून के छात्र दिवेंद्र देवातिन दुबे का कहना है। दिवेंद्र दुबे का कहना है कि सुशांत की बॉडी और पंखे की हाइट, गले पर कई संदेहास्पद निशान, नौकरों के बयानों में अंतर, पेन ड्राइव्स का रहस्यमय तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना और सुशांत की मौत से ठीक 6 दिन पहले उनकी पूर्व मैनेजर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं है और इन सब बिंदुओं पर कोई जाँच ही नहीं की गयी। दिवेंद्र दुबे का कहना है कि सबसे अहम बात यह है कि मुंबई पुलिस ने 45 दिन तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की, तो अब इन सब बिंदुओं को लेकर ही दिवेंद्र दुबे पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और हाईकोर्ट में उन्होंने नई सीबीआई टीम की मांग को लेकर पिटीशन दर्ज कराई है। आपको बता दें ये पिटीशन कानून के छात्र दिवेंद्र देवातिन दुबे ने ही दर्ज कराई है, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई का वक्त 3 अगस्त 2021 का दिया है। पिटीशन में मांग की गई है कि वर्तमान टीम को और मुंबई पुलिस को भी नोटिस जारी किया जाए, सीबीआई टीम को इसलिए कि आखिर वो इतना डिले क्यों कर रही है और मुंबई पुलिस से पूछा जाए कि आखिर सुशांत की मौत के 45 दिन बाद भी एक एफआईआर तक क्यों नहीं दर्ज की गई। फिलहाल याचिका पर कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कानून के छात्र दिवेंद्र दुबे की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। तो कोर्ट को बताया गया कि सुशांत के पिता की ओर से राजीव नगर थाना में दर्ज एफआईआर 241/20 दर्ज कराई गई थी, जिसे 19 अगस्त 2020 को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन अब तक सीबीआई की जाँच संतोषजनक नहीं रही। याचिका में मांग की गई है कि जांच में लगी मौजूदा सीबीआई टीम को बदल दिया जाए और किसी दूसरे सीबीआई के सीनियर अधिकारी की टीम को ये केस सौंप दिया जाए, क्योंकि अब तक जांच सही ढंग से नहीं की गई है। याचिका में आगे कहा गया है कि जांच में कई तरह की खामियां दिखाई दे रही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि 14 जून 2020 को सुशांत की संदेहास्पद मौत उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में हुई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने 45 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। बहुत से लोग इस मौत के पीछे संदेह के घेरे में थे, लेकिन जांच में विलंब होने से सभी साक्ष्यों और सबूतों को मिटाने का पूरा मौका दिया गया। याचिका के मुताबिक सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले 8 जून 2020 को उनके पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी मौत हो गई थी और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि मुंबई पुलिस ने खुद ने माना है कि सुशांत की हाइट 5 फीट 10 इंच थी, सुशांत की बॉडी पलंग पर थी और छत से पलंग की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है। अब मात्र 1 इंच से कोई कैसे खुद को खत्म कर सकता है, ये अब तक वर्तमान टीम ने साफ नहीं किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसी तरह इस जांच में कई और भी खामियां हैं, जिस पर सीनियर अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने की जरूरत है, लेकिन सीबीआई की टीम इन सभी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। याचिकाकर्ता ने जांच में लगी सीबीआई टीम को बदलकर नई टीम को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है, साथ ही नई टीम हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करे और टाइम टाइम पर अपनी जांच की रिपोर्ट भी कोर्ट को दे, ये मांग भी याचिका में की गई है।
याचिकाकर्ता ने तो केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को भी नोटिस जारी करने की मांग कोर्ट से की है। खैर, फिलहाल कोर्ट ने किसी को नोटिस तो जारी नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 अगस्त 2021 तय की है। अब 3 अगस्त को अगर पटना हाईकोर्ट को लगता है कि हाँ सच में वर्तमान सीबीआई टीम की जाँच में कई तरह की खामियाँ हैं, तो वो नई टीम के लिए आदेश दे सकती है। और अगर नई टीम के लिए आदेश मिला तो 1 हफ्ते के अंदर नई टीम सुशांत का केस संभालेगी और फिर नए सिरे से जांच की जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में वर्तमान सीबीआई टीम की जांच में खामियां हैं? आखिर क्या ऐसी वजह है कि 1 साल बाद भी सीबीआई की टीम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई? और अगर नई सीबीआई की टीम आती है तो क्या सुशांत की मौत से पर्दा हट सकेगा? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्में न्याय द जस्टिस और शशांक के मेकर्स की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ गई हैं। फिल्म निर्माता निर्देशकों के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका अपनी दलीलों और तर्कों से खारिज तो करवा दी, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपना वकील ही बदल लिया है, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस संजीव नरूला के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में जाने वाले वकील हरीश सालवे ने एक बार फिर से फिल्मी मेकर्स को रास्ता दिखा दिया है और साफ साफ इशारा दे दिया है कि जब तक सुशांत केस की जांच पूरी नहीं होगी, उनके जीवन पर आधारित किसी भी फिल्म को किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। तो इस बार कोर्ट में सुशांत के पिता की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश सालवे पैरवी करते नजर आए और उन्होंने आते ही कोर्ट में अपनी दलीलों से फिल्म के मेकर्स को बुरी तरह चौंका दिया। सालवे की पैरवी और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फिल्म के मेकर्स को एक बार फिर से नोटिस थमा दिया है और फिल्म को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। अब माना जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट का रवैया पहले से थोड़ा सख्त है और हो सकता है कि कोर्ट जांच पूरी होने से पहले इन फिल्मों पर बैन लगा दे। अब हरीश सालवे को हर कोई जानता है। सालवे भारत के टॉप सीनियर एडवोकेट्स में से हैं। हरीश सालवे शुरू से ही अपनी प्रतिभा की बदौलत नामी वकील रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें भारत सरकार ने सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। सालवे कुलभूषण जाधव समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सरकार की पैरवी कर देश को गौरवान्वित भी कर चुके हैं। इसके अलावा सालवे कई बड़े बड़े केस लड़ चुके हैं। अंबानी बंधुओं के बीच कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन केस में हरीश सालवे ने मुकेश अंबानी की तरफ से केस लड़ा था। इसके अलावा टाटा ग्रुप, ITC लिमिटेड, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता समेत कई हाई प्रोफाइल केस सालवे लड़ चुके हैं और माना जाता है कि जो केस सालवे के हाथ में आ गया उसे वो जीत कर ही मानते हैं। अब सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता सुशांत की मौत वाले केस को भी हरीश सालवे के जरिए ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और अब हो सकता है कि हरीश सालवे सुशांत की मौत के मामले में भी दखल दें और केस की धीमी पड़ी गति को एक बार फिर से रफ्तार दिला दें। आपको याद होगा कि सुशांत की मौत के बाद हरीश सालवे कई मीडिया चैनल्स पर लाइव बैठे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुशांत की मौत अननेचुरल है और सस्पेक्टेड है। और उन्होंने तो मीडिया और सोशल मीडिया को भी धन्यवाद दिया था कि सुशांत की संदिग्ध मौत के मामले को इतना आगे ले आए, वरना मुंबई पुलिस तो मनगढ़ंत कहानी सुनाकर केस को क्लोज कर चुकी होती। तो मतलब हरीश सालवे को कहीं ना कहीं सुशांत मामले में फाउल प्ले नजर आ रहा है और उनकी बारीक नजर क्राइम को पकड़ रही है। तो अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुशांत केस से जुड़े हर केस की पैरवी हरीश सालवे ही कर सकते हैं, जिसमें सुशांत की बहन से जुड़ा मामला भी शामिल है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इसके अलावा सुशांत के जीवन पर बन रही फिल्मों को बैन कराने के लिए तो हरीश सालवे कमान संभाल ही चुके हैं और अब माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के हर मामले में हरीश सालवे की सलाह पर ही परिवार आगे बढ़ेगा। तो अब माना जा रहा है कि सुशांत केस की कमान पूरी तरह वरिष्ठ वकील हरीश सालवे के हाथ में चली गई है, जिसके बाद सुशांत के गुनहगारों का बचना मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, हरीश सालवे के आने से केस में रफ्तार मिलेगी और सुशांत के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।